अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। जो एक एप्लीकेशन दी गई थी कि MLO करवाया जाए, जो काजमी साहब की बेटी है उसका मेडिकल हो दोबारा से, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पे उन लोगों को सीधा पैगाम दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप लोग हमें डिक्टेट ना करें, हम लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम आज़ाद हैं, हम मेरिट पर फैसला करेंगे। और वही आज हुआ है। तो इस उम्मीद के साथ कि अब लोगों को समझ आ जाएगी, जो लोग इस चीज़ का राग अलाप रहे थे बार बार कि अब उसका मेडिकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फिर ज़हीर अंदर गया तो पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी कि हम ऐसे बयानबाजी करेंगे, मतलब मीडिया पे आके बात करेंगे, यूट्यूब पे बैठ के बातें करेंगे तो कोर्ट प्रेशराइज हो जाएगी। लेकिन कोर्ट प्रेशराइज नहीं हो रही, ना ही कोर्ट किसी जो गवर्नमेंट है उसके इन्फ्लुएंस में आ रही है। कोर्ट कह रही है कि हम आज़ाद हैं, हमें फैसले करने आते हैं, आप लोग हमें डिक्टेट ना करें। यही कोर्ट का स्टांस है यहाँ पे। अभी तो इसका तफसीली फैसला नहीं आया, जैसे ही तफसीली फैसला आएगा तो मैं आपके साथ फिर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक यही बात थी, यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो यहाँ तक की थी अभी की वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।